Hi, I'm John Abraham. पढ़ते रहिए वेब दुनिया, इसमें कुछ खास. And congratulations वेब दुनिया on completing 20 years, 20 साल, fantastic. Hello friends, welcome to Bollywood News. मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट नेहा रेड्डी. ऋतिक रोशन के फैंस को शिकायत रहती है कि वे बहुत कम फिल्में करते हैं और इस बात को ऋतिक ने गंभीरता से लिया है और अब वे ज्यादा से ज्यादा फिल्म करने की कोशिश कर रहे हैं. 2019 में उनकी दो फिल्में सुपर 30 और वॉर रिलीज हुई और दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली. जहां सुपर 30 में ऋतिक ने कुछ अलग करने की कोशिश की और अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, वहीं वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए. वॉर 200 करोड़ पार हो गई है और इस बात की पूरी संभावना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है. इन दोनों फिल्मों की सफलता ने ऋतिक को उत्साह से भर दिया है और वे अपनी आगामी फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं. सूत्रों के अनुसार ऋतिक ने क्रिश 4 पर काम शुरू कर दिया है. वे चाहते हैं कि यह फिल्म बने. क्रिश 4 पर राकेश रोशन की अस्वस्थता के कारण काम रुक गया था, लेकिन अब फिर शुरू हो गया है. जून 2020 से शूटिंग शुरू हो सकती है और 2021 में इसे रिलीज किया जाएगा. बताया जा रहा है कि ऋतिक इसे बड़े पैमाने पर बनाना चाहते हैं और राकेश रोशन से इस बारे में उनकी बातचीत लगातार चल रही है. क्रिश सीरीज की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खासी सफल रही है और इस देसी सुपर हीरो की सीरीज को ऋतिक आगे ले जाने की सोच रहे हैं.